सीधे रायबरेली आपको लिए चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव आज विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनते हैं। के लिए चले, उसके लिए भी उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम गरीबों के किसानों के ऊपर है। सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिक्कत दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम लोगों को दिक्कत पैदा हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर चीज में किल्लत पैदा की है, और अगर कोई सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए निकला होगा तो इस सरकार ने उसको जिल्लत देने का काम किया है। इस सरकार ने केवल तीन चीजें दी हैं, दिक्कत, जिल्लत और इतनी परेशानी कभी नहीं किसी सरकार ने दी होगी जितनी जनता को मिली। ये हमारे किसान आए हैं, जिस समय खाद की जरूरत थी, बताओ खाद किस किस किसान को समय पर मिल गई? कोई किसान हमें बता दे, किसी किसान भाई को खाद मिली हो तो बताओ हमें। आपको लाइन में लगना पड़ गया, और जब घर जाकर के बोरी देखी होगी तो बोरी में से 5 किलो चोरी हो गई कि नहीं हो गई? 5 किलो, ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जानते ही नहीं है। 24 घंटा काम करते हैं, कहा यह जाता है कि बाबा मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करते हैं। लेकिन बताओ किसान भाइयों, जब आपने धान पैदा किया तो ये 24 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री कहां थे कि धान की अगर आपको कीमत मिली हो तो बताओ? आप 24 घंटे काम कर रहे हैं इसीलिए तो खाद नहीं मिल रही, ये 24 घंटे काम कर रहे हैं इसीलिए तो यूरिया नहीं मिल रही, 24 घंटे काम कर रहे हैं इसीलिए तो डीएपी नहीं है, और ये 24 घंटे काम कर रहे हैं इसीलिए तो हमारे बीएड वाले भी अपने टोपी लगा करके घूम रहे हैं टीटी वाले। ऐसे 24 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री ने परेशानी की है, कोई कैसे भूल जाएगा? कोई कैसे भूल जाएगा? अभी जब बीमारी आई थी, हम आप सब परेशान हो गए, सब बंद कर दिए गए। अगर कोई बाहर निकलता था तो पुलिस डंडा लेकर के दौड़ाती थी, कोई घर से नहीं निकल सकता था, और जिस समय दवाई की जरूरत थी, बिस्तर की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो किसी गरीब को ना अस्पताल मिल पाया, ना समय दवाई पे मिल पाई, और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। आपने तस्वीरें देखी होंगी, लोग सड़कों पे भाग रहे थे अपने परिवार के लोगों के लिए, दवाई के लिए और ऑक्सीजन के लिए। बताओ लोगों, आपने तस्वीरें देखी कि नहीं देखी? और जो लोगों के परिवार के सदस्य जिनकी जान नहीं बच पाई, अगर वो कब्रिस्तान में भी गए होंगे, शमशान पे भी गए होंगे, तो वहां बताओ लाइन में लग करके खड़ा होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा? लखनऊ में देखा, लोगों को इंतजार करना पड़ा शमशान घाट पे, लकड़ी नहीं दे पाई सरकार। बताओ ये सरकार लकड़ी नहीं दे पाई शमशान में दाह संस्कार के लिए। और अभी अखबार में पढ़ लेना आप, ये सरकार कह रही है कि बिना ऑक्सीजन के किसी की जान नहीं गई है। बताओ कौन भरोसा करेगा इस सरकार पर? ये सरकार कह रही कि बिना ऑक्सीजन के किसी की जान नहीं गई। हमारे बाबा मुख्यमंत्री अखबार पढ़ के देखो, ऑक्सीजन की कमी से भी जान गई है, और कभी अगर कोई सड़क पर बुल आ गया, सांड आ गया, उससे भी जान चली गई। केवल ऑक्सीजन से नहीं, ऑक्सीजन से तो गई गई जान है, लेकिन बताओ वो खेत में जो घूम रहे हैं उनसे परेशान हो कि नहीं हो? न जाने कितनों की जान चली गई,
और ये 24 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री बांदा का पता करिए, बुंदेलखंड में बताइए, जिद्दा गाय को जला।